झालावाड़ तीतरवासा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है। सरपंच और सचिव द्वारा 5 लाख रुपए में 2 हैंडपंप लगाने का दावा किया गया, लेकिन मौके पर न तो कोई हैंडपंप दिखाई दिया और न ही कोई खुदाई के निशान। ग्राम पंचायत के बीरियाखेड़ी गांव में आश्रम और एसटी बस्ती के लिए हैंडपंप लगाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन आज भी वहां के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि हैंडपंप न होने के कारण उन्हें दूर स्थित महादेव मंदिर से पानी लाना पड़ता है। पिछले 2 साल में 4,88,000 रुपये कागजों पर खर्च दिखाए गए, लेकिन हकीकत में एक भी हैंडपंप नहीं लगा। 2022-23 के सत्र में बीरियाखेड़ी गांव में रामदेवजी के मंदिर से स्कूल तक नाले के निर्माण के लिए पहले 4,25,000 रुपये खर्च किए गए और फिर उसी नाले पर 2,40,000 रुपये अतिरिक्त खर्च किए गए। असल में पुराने नाले को केवल 10-12 इंच ऊंचा करके सीमेंट और गिट्टी की परत चढ़ा दी गई। तीतरवासा ग्राम पंचायत का कार्यालय भी दिनभर खाली रहता है। सचिव और कर्मचारी अक्सर गायब रहते हैं, जिससे ग्रामीण अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए भटकते रहते हैं। ग्रामीणों ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। झालावाड़ संवाददाता से रणजीत मेघवाल की विशेष रिपोर्ट। नहीं है वहाँ पे। ये तो सीसी वाला रोड है, तो ये जाता है सरकारी नई आबादी है, तो यहाँ आबादी तक ये खत्म है और ऊपर सरकारी कुआ है, वहाँ तक तो कोई इंटरलॉकिंग ही नहीं है और जगन्नाथ जी का मकान इधर है, गांव के अंदर है, तो ये तो मेन रोड से जुड़ा हुआ है, पहले से ही जुड़ा हुआ है और जगन्नाथ जी मेघवाल का घर तो अंदर है मकान, तो ये तो पूरा पुराना सिस्टम है और ये जो नायडू जी आए थे उसके बाद का सिस्टम है ना, तो इसमें तो है ना ये नई आबादी तक जा रहा है, सीसी वाला रोड और उसका आगे तो है ना आबादी से सरकारी कुएं तक तो कुछ भी नहीं है। मॉडल तालाब का क्या बता रहे थे? मॉडल तालाब है यहाँ पे।